ललितपुर में ग्राम नथेकांड सुसाइड कांड में कुछ सक्रिय पुलिस के दलालों ने एक साजिश के तहत ग्रामीणों से उनके आधार कार्ड फोटो और शपथ पत्र हासिल कर दिए हैं और उक्त मामले में निलंबित तत्कालीन चौकी इंचार्ज के साथ अन्य कांस्टेबल को बचाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ललितपुर से जयेश बादल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जयेश बादल, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताएंगे हमें। ग्राम नथी गढ़ का युवक उमाशंकर यादव है, तो पुलिस की अवैध वसूली और उत्पीड़न के चलते उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने के पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें तत्कालीन चौकी इंचार्ज राजकुमार निगम और एक कांस्टेबल धीरेन तिवारी के चलते वो आत्महत्या कर रहा है, ये लिखकर उसने सुसाइड नोट छोड़ा हुआ था जी। तो इस मामले पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया था जी। लेकिन एक दलाल है उस गाँव का, इंद्रपाल सिंह ठाकुर। इंद्रपाल सिंह ठाकुर ने पुलिस के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि जिससे इन पुलिसकर्मियों को बचाया जाए जी। तो उसके लिए उसने एक झूठा बहाना बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के अंतर्गत गांव में लोगों के खातों में पैसा डाला जा रहा है। अगर आपने वही ग्रामीणों से इस पूरी घटना को लेकर बात की, ग्रामीणों के अंदर क्या कुछ विरोध नजर आया है इस पूरी घटना को लेकर? ग्रामीणों के अंतर्गत हमारे तीन ग्रामीणों से बात हुई थी, जिसमें हरप्रसाद, एक ध्यानी और रविंद्र सिंह यादव, इन तीनों से बात हुई थी। उनका कहना था कि हमारे साथ धोखा किया गया है, प्रधानमंत्री की योजना के नाम पे हम लोगों को छला गया, चूंकि हम लोग निरक्षर अंगूठा धारी हैं, हम लोग पढ़ना लिखना जानते नहीं। तो गाँव का प्रधान और जो दलाल है इंद्रपाल सिंह ठाकुर, उन्होंने हमसे कहा कि पैसा आपके खाते में आने वाला, तो इसलिए हम लोगों ने साइन कर दिया और आधार कार्ड दे दिया। लेकिन उस सारा कागज को उसने क्या लिखा, हम लोगों को बाद में पता चला कि इन पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए साजिश की जा रही है जी। शुक्रिया जयेश बादल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।